जो कहना है कह दो, इतना सोच क्यों रही हो? हारून, मैंने बस सोच लिया है, माहीन अब हमारे पास ही रहेगी, यहीं हमारे घर में। मालूम है तुम क्या कह रही हो? हारून, इसमें गलत क्या है? अपने घर की प्राइवेसी में ऐसे किसी और को शामिल कैसे कर सकते हैं? हारून वो बहन है मेरी। सगी बहन नहीं है तुम्हारी, और ना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो उसका करीबी रिश्ता, उसकी माँ की सगी बहन मौजूद है, उनका हक बनता है उसका सरपरस्त बनना, उसका ख्याल रखना। इस तरह तो मैं भी उसके करीबी रिश्ता हूँ, उसके बाप की सगी भतीजी। और आप खुद सोचें, अगर बाबा के जाने के बाद चाचा भी मुझसे इस तरह से नजरें फेर लेते, मुझे सहारा ना देते, तो मेरा क्या होता? मैं कहाँ जाती? शायद इसी बहाने मैं एहसानों का कुछ बदला उतार सकूं। देखो नैना, मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया, तुम जिस तरह चाहो उनकी माली मदद करो, लेकिन इस तरह घर में रखने के हक में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हारून, इसमें हर्ज क्या है? नैना, माहीन इस घर में खुश नहीं है। खाला नफीसा का मिजाज भी बहुत सख्त है, और जो कुछ भी उनकी बेटी के रिश्ते के मौके पे हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो उसको उस घर में रखेंगी। नैना, नफीसा खाना जानदीदा खातून है, उन्होंने यकीनन माहीन में ऐसा कुछ देखा होगा जो उसे अपने घर से निकाला है। क्या पता रिश्ता माहीन की वजह से ही टूटा हो। तुम ऐसी लड़की को घर में रखना चाहोगी? उसे उठने बैठने का सलीका नहीं है, कपड़े पहनने की तमीज नहीं, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे उसे?